Hello and assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. And today I have come to visit Chatuchak mall, and it is located in Chatuchak weekend market, which is very famous for tourist shopping. And now New Year and Christmas celebrations are on in the mall, and there are many shops in this mall, and it's been 1 month in its opening. And this is a huge mall, and it has total 3 floors, and one is for dresses and shoes, and second floor is for decoration pieces and jewelry and flowers, flowers shops hai. And third floor pe aapko only food hall hi milega, wahan pe food hi aapko milta hai, restaurants hai. और बाकी जो दो फ्लोर्स हैं उन पे भी आपको छोटे छोटे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे. सो इट्स सेकेंड टाइम कि मैं इधर आई हूँ, और यहाँ पर जो इसका फर्स्ट जो फ्लोर है उसके बिल्कुल दरमियान में वीकेंड पे इस तरह की सेल होती है. लाइक आज स्वेटर्स की सेल थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इनकी कंप्लीट स्वेटर्स की वीडियो बनाऊँ, क्योंकि पाकिस्तान में हमें गिने चुने 3-4 ही ब्रांड मिलते हैं जिनकी हम लोग स्वेटर्स देखते हैं और हम लोग वहीं से वही ले लेते हैं. लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेड स्वेटर्स की सेल लगी हुई थी, सो मैंने सारी स्वेटर्स देखी और मुझे बहुत सारी पसंद आई, बट मैंने एक ली थी और मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊँ, क्योंकि ये डिफरेंट कट्स में थी और बहुत ही डिफरेंट स्टाइल्स में थी. सो मैंने सोचा कि इनकी स्वेटर्स की कंप्लीट वीडियो बनाऊं, फिर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोस में और भी इसकी इस मॉल के अंदर जो और भी शॉप्स हैं और जो और भी सेल्स हैं उनके बारे में बताऊंगी. बट आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये जो इम्पोर्टेड ड्रेसेस की सेल है इसको दिखाऊंगी. तो ये वाले जो ड्रेसेस हैं और स्वेटर्स हैं ये 150 and 200 बाहर के हैं. लाइक जो यहाँ के बात ये हैं, बाकी पाकिस्तानी ये 1,800 रुपीज़ में हैं, विच इज़ वेरी रीज़नेबल. और यहाँ पर क्योंकि सर्दियाँ नहीं होती, इसलिए यहाँ पर ये लोग इम्पोर्टेड स्वेटर्स पे सेल लगा देते हैं. सो आज भी हम लोग यहाँ पे स्वेटर्स ही देखने आए हैं, और ये वाली जो स्वेटर है ये मैंने अपने लिए बाय की है, और ये बहुत ही अच्छी थी और सिंपल सी थी बट मुझे पसंद आई. और ये छोट मतलब इसकी जो लेंथ थी वो छोटी थी. एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं बिल्कुल लाइन में स्वेटर्स ही स्वेटर्स हैं. और यहाँ पर आप लोगों को बच्चों के भी जो ड्रेसेस हैं उन पे भी सेल मिलेगी, फ्रॉक्स पे, टाइट्स पे, हर चीज़ पे, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे से दिख रहा होगा कि बहुत लंबी लाइन है सेल की. और यहाँ पर सेल तो वैसे भी औरतों की बहुत फेवरेट होती है, सो जहाँ पर भी सेल हो वो पहुँच जाती हैं. और इस मॉल की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि मैं यहाँ पर 8 months से हूँ और मैं यहाँ पे पाकिस्तानी ड्रेसेस ढूँढ रही थी, लाइक थोड़े मुस्लिम टाइप ड्रेसेस हूँ, क्योंकि यहाँ पर लोग स्लीवलेस एंड शॉर्ट शर्ट्स पहनते हैं, तो मुझे थोड़ी शर्ट्स की लेंथ भी सही चाहिए थी, लॉन्ग चाहिए थी थोड़ी, और मुझे जो है ना स्लीवलेस नहीं चाहिए थे, मतलब हाफ़ स्लीव्स हों या फुल स्लीव्स हों और शर्ट जो है वो ठीक हो ताकि जीन्स के ऊपर पहनी जा सके. तो यहाँ पर मुझे जो है सारी वो ड्रेसेस की शॉप्स मिली जहाँ पे अच्छे अच्छे फ्रॉक्स, अच्छे अच्छे शर्ट्स हैं. सो अगर कोई भी बंदी जो बैंकॉक में रहती है और उसको पाकिस्तानी ड्रेसेस ढूँढने हैं, सो प्लीज़ यहाँ पे आ जाएं. यहाँ पर आपको मुस्लिम ड्रेसेस बहुत ज़्यादा मिलेंगे. लाइक ये लोग भी वो ड्रेसेस पहनते हैं, बट ये है कि आप लोग भी पहन सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छे ड्रेसेस हैं. लाइक उनकी जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, लाइक फुल आप जो है ना उसको लाइक टाइट नहीं होंगे, थोड़े ओपन ओपन होंगे. सो मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा, और मुझे एक रिलीफ महसूस हुआ कि कभी भी मुझे ड्रेसेस लेने हैं पाकिस्तानी या कोई भी अपनी शॉपिंग करनी है तो मैं इधर ही आऊँगी, तो यहाँ पर मुझे जो है फुल ड्रेसेस मिल जाएंगे.
अभी आपको मैं स्वेटर्स ही दिखा रही हूँ, सो मैंने सोचा कि और बातें करूँ, क्योंकि स्वेटर्स के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करेंगे तो शायद आप बोर ना हो जाए। बट मैंने पूरी कोशिश की कि मैं बहुत ज़्यादा स्वेटर्स दिखाऊँ, और ये वाली भी मुझे बहुत पसंद आई, और ये वाली मैंने पहन के भी देखी थी। ये बहुत अच्छा सा ब्लैक के ऊपर एक नेकलेस टाइप ऊपर से पट्टी बनी हुई है जिसके ऊपर बीड्स लगे हुए हैं, जो कि बहुत पहने और नेक पे लगाएं तो बहुत खूबसूरत लगती है। और ये कलरफुल सी स्वेटर्स थी, ये भी मुझे बहुत पसंद आई थी। और अभी मैं यही देख रही हूँ, बहुत सारी स्वेटर्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जेंट्स की भी स्वेटर्स हैं और कोट्स हैं, तो वो मेरे हस्बैंड अपनी ड्रेसेस एंड कोट्स देख रहे हैं। तो मेल्स वाली स्वेटर्स को मैंने कवर नहीं किया, मैंने सिर्फ गर्ल्स वाली स्वेटर्स को ही कवर किया है। और अगर आप चतुचक में आ रहे हैं तो उसके लिए आपको एक मैप चाहिए होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी मार्केट है और आप लोग एक दिन में इसको नहीं घूम सकते। उसके लिए आपको एक मैप चाहिए होता है, और मैप के ज़रिए आप इसको घूम सकते हैं, क्योंकि मैं दो दफ़ा आई हूँ और मैं पूरा इसको नहीं घूम सकी, क्योंकि इसमें थाईलैंड की सब जो स्पेशलिटीज़ हैं वो वहाँ पे मौजूद होती हैं। लाइक अगर आपने थाईलैंड की कल्चरल शॉपिंग करनी है तो वो आपको इसकी चतुचक मार्केट से ही मिलेगी, और टूरिस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। और अभी मैं गर्ल्स के सेक्शन पे दोबारा से आ रही हूँ, और यहाँ पर ये वेस्टर्न ड्रेसेस हैं जो कि इम्पोर्टेड हैं, जो कि हम लोग नहीं पहन सकते। और इस वक्त मेरी बेटी ये ड्रेसेस दिखा रही हैं, शी वाज सेइंग मम्मा आई विल शो यू द ड्रेसेस, सो वो बार बार निकाल के दिखा रही हैं। यस, वी गर्ल्स कैन वेयर देम एट नाइट बिकॉज वी आर मुस्लिम। इस तरह की जो शॉर्ट शर्ट्स हैं, जो स्लीवलेस हैं, वो आप ले सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर आपको ऊपर एक स्मॉल अपर पहनना होगा, तो उससे वो आपके बाजू जो हैं वो छुप जाएंगे और वो बहुत अच्छा लगेगा। ड्रेसेस इनके मुझे ख़ास पसंद नहीं आए, सो मैंने इन ड्रेसेस में से कोई भी ड्रेस बाय नहीं किया। उसकी पहली वजह ये थी कि ये सारे वेस्टर्न थे, और दूसरा ये कि ये इनकी जो कलर है वो भी मुझे इतने पसंद नहीं आए, लाइक सारे बिल्कुल डल से कलर थे, एंड आई लाइक शार्प कलर्स। तो यहाँ पर गर्ल्स की कुछ पर्सनल शॉपिंग भी थी, और वो जो है पाकिस्तान में बिल्कुल ही ढकी छुपी होती है, और मार्केट में बिल्कुल अलहदा से उनका कॉर्नर बनाया होता है जहाँ पे एक लेडी बैठी होती हैं जो हमें वो देती हैं और हम लोग ट्राई करते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पर हर जगह पे आपको पर्सनल जो चीज़ें हैं उनकी सेल मिलेगी, और इनके पास बहुत ही अच्छी जो है पर्सनल जो लेडीज़ की चीज़ें हैं उनकी बहुत अच्छी इनके पास रेंज है, तो कभी भी आएँ तो ज़रूर लें। और मेरी बेटी ने अभी अपने नाइट सूट दिखा लिए हैं, और अभी वो पेंसिल्स की तरफ आई हैं, बच्चों की मोस्ट फेवरेट कलर्स पेंसिल्स, तो वो इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट लेती हैं, और शी हैज़ बॉट अ डायरी एंड अ पेंसिल जो कि अभी ये शो कर रही हैं। अगर आप कभी भी इस मार्केट में आएँ तो प्लीज़ अपने साथ एक सूट केस ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि यहाँ से आप लोग बहुत सी शॉपिंग करने वाले हैं। और यहाँ पर अभी ये बॉयज़ की सारी जीन्स हैं,
और यहाँ पर वो सारी जीन्स हैं जो मुझे पाकिस्तान से बिल्कुल भी नहीं मिलती थी। लाइक ब्रांड्स में आपको कुछ ही मिलती हैं, बट यहाँ पे लाइन में आप इतनी सारी वैरायटी जब होती है ना, तो आप देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि वाओ, लाइक आपको चीज़ें कुछ छोड़नी पड़ती हैं, लाइक आपको चूज़ करने में मुश्किल नहीं होती। सो मैं यहाँ से हर तरह की पैंट्स अपने बेटे के लिए लेने वाली हूँ। सो अभी हम यहाँ पे फ्रॉक्स देख रहे हैं, एंड मेरी बेटी जो है उसने अपना ड्रेस उठा लिया है कि ये तो बाबा मैंने लेना है। और ये इनके बाबा जो हैं अपने बेटे के लिए शर्ट देख रहे हैं, और वो मुझे कह रहे हैं कि आप मटेरियल देख लें। और मैंने चेक किया तो अच्छा था, बट फिर मैं और चीज़ों की वीडियो बनाने लग गई। सो वो थोड़ा माइंड कर रहे थे कि भाई तुमने क्या ये यूट्यूब और व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है, और आप शॉपिंग करने आती हो तो आप वीडियो बनाती हो, शॉपिंग कम और वीडियो ज़्यादा बनाती हो। सो इसलिए तो अभी मैं आपको इस शॉप के ड्रेसेस दिखाऊंगी, और यहाँ के जो ड्रेसेस थे वो मुझे बहुत पसंद आए, और इनमें मैंने आपको एक दो पीसेस दिखाए भी हैं। और इनमें से मैंने रेड वाला अपने लिए बाय किया था, और इनके साथ स्टोल भी हैं, और ये बहुत अच्छे हैं और मुझे इस तरह के बहुत पसंद थे। मैंने टेलर से बनवाने की कोशिश की बट वो उतने अच्छे नहीं बने। सो यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छे इस तरह के ड्रेसेस मिल गए, सो मैंने ये रेड वाला बाय किया। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सारे ड्रेसेस जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और कवर्ड हैं। तो अभी यहाँ पर सिटिंग स्टूल्स को डिस्प्ले किया गया है, और बच्चे जो हैं इंस्पेक्शन कर रहे हैं, और ये एनिमल्स की शेप्स के बनाए गए हैं और बहुत ही यूनिक हैं। यहाँ के जो थाईलैंड के लोकल्स हैं वो अपनी स्पेशलिटीज आके शेयर करते हैं, लाइक वो छोटे छोटे स्टॉल्स बनाते हैं। और यहाँ पर इन्होंने ये स्टूल्स रखे हुए हैं और कुछ स्टॉल्स रखे हुए हैं गर्ल्स के लिए। सो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज़। सो तब तक के लिए सी यू एंड अल्लाह।